देखिए, संघर्ष तो उस समय था और संघर्ष अभी भी है। उस समय जो संघर्ष करते थे लोगों के हक दिलाने के लिए, कैसे लोगों के हक छीना जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे शहरी मतदाता हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, जी सबके लिए हमने संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि उन वादों को जो हमने किया, जिन बातों के लिए लड़ाई हमने सड़कों पे की थी, वो सब चीज मिले, इसके लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा इस कोरोना काल में किस प्रकार से सारे लोगों को हमने जुटा के लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, हर वर्ग के लोग, सामाजिक संगठनों को भी, सबको साथ मिले के, व्यापारी उद्योगपति सबको साथ मिले के जो लड़ाई लड़ी, तो देखिए कि आज हर मामले में छत्तीसगढ़ ऊपर है। तो संघर्ष पहले भी था, संघर्ष आज भी है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है।